कानपुर। बड़ी खबर फिरोजाबाद से, आपको बता रहे महिला थानाध्यक्ष का वीडियो वायरल हो गया, दो लोगों को पीटते दिख रहे हैं महिला थानाध्यक्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, वीडियो से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। तो फिरोजाबाद से बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर महिला थानाध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें दो लोगों को पीटते हुए नजर आ रही है ये महिला थानाध्यक्ष। तो लात घूंसे और हाथों से किस तरीके से पिटाई करती नजर आ रही है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल खड़े हो रहे हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद। तो वीडियो से पुलिस के इकबाल पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें ये वीडियो लगभग दो महीने पहले शूट किया गया था ऐसा बताया जा रहा है, तो दो महीने पुराना यह वीडियो बताया जा रहा है और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। तो ये महिला थानाध्यक्ष फिरोजाबाद की हैं और एक वीडियो में वो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं कि कैसे वो थप्पड़ और लात घूंसे बरसाती नजर आ रही। दिल्ली में आजम खान से एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुलाकात हुई। अखिलेश ने आजम खान का हाल जाना, इस बात की जानकारी अखिलेश के ट्वीट से हुई है जब उन्होंने ट्वीट में लिखा कि आपकी अच्छी सेहत के लिए दुआएं। इससे पहले आजम खान के जेल में रहते हुए अखिलेश ने उनसे मुलाकात नहीं की थी। ऐसे में अब इस सियासी मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि इसकी सबसे अहम कड़ी कपिल सिब्बल बताए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के समर्थन से राज्यसभा जाने वाले कपिल सिब्बल अखिलेश के लिए संकट मोचन की भूमिका में दिख रहे हैं, उनकी वजह से यह मुलाकात हुई है। वहीं इस मुलाकात पर बीजेपी चुटकी लेती नजर आ रही है। अखिलेश यादव जी अपने कुनबे को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह कोशिश कितनी ईमानदार है यह आने वाला समय बताएगा। आजम खान और उनके तमाम करीबियों ने लगातार अखिलेश यादव जी की इस उपेक्षा के दंश को बार बार दोहराने का काम किया है। अब अखिलेश यादव जी ने इस जख्मों पर मरहम लगाने का प्रयास किया है, लेकिन आने वाला समय बताएगा कि ये दोस्ती कितना रंग लाएगी। लेकिन जब मिलकर के बेईमानी की है तो उसकी जिम्मेदारी भी सबको मिलकर के उठानी होगी। आजम खान और अखिलेश यादव की मुलाकात के बाद लगातार सियासी बयानबाजी ने सूबे की सियासत को गर्मा दिया है। बीजेपी आरएसएस की खबर जो फैलाई हुई है ये उसकी बात हो रही है। माननीय आजम खान साहब समाजवादी आंदोलन के मतलब वो आखिरी मतलब उन लीडर्स में से हैं जिनको हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, जिन्होंने समाजवाद आंदोलन को मतलब उसमें कहते हैं ना कि उसमें अपने लहू से उस पूरी तहरीक को सींचा है। और माननीय अखिलेश यादव जी के वो वालिद की तरह से उनको मानते हैं, तो नाराजगी का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये पार्टी समाजवादी पार्टी, इसकी एक एक इंच जो माननीय नेताजी और माननीय आजम खान साहब के सहयोग से, ताकत से, खून पसीने से, लाखों वर्करों की ताकत से बनी हुई है, ये हमेशा माननीय आजम खान साहब को जी दुआ है, जो मोहब्बत है। और यह प्रसपा की बहुत बड़ी जीत है। वो जो अट्टालिकाओं से निकलते नहीं थे आज जाकर मिलने लगे हैं, ये जो गुलाब खिलने लगे हैं यह प्रसपा द्वारा बहाए गए पसीने का ही परिणाम है। लोकमानस पे आजम खान के मुद्दे को शिवपाल सिंह जी और प्रसपा ने ही स्थापित किया। आज उसी की देन है कि कश्मीर वाले नेताजी भी और लखनऊ वाले नेताजी भी उनसे मिल रहे हैं, वरना ये लोग अब तक क्यों नहीं मिले। यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस 1 और 2 जून को नव संकल्प कार्यशाला चलाएगी और इस कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के जाने माने चेहरे शामिल होंगे और कांग्रेस की रणनीति को लेकर चर्चा की जाएगी। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची हैं, जहां वो पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होंगे और पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा करेंगे। अगर हम मायूस होकर बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि आगे कोई आशा नहीं है, निराश हो जाएंगे, तो जिसको निराश होना था वो तो चले गया, जो यहां बैठा है वो तो लड़ने वाला है। आज अगर आप यहां पे मौजूद हैं तो आप वही हैं जो निराश नहीं हुए हैं, आप वो हैं जो संकल्प ले रहे हैं कि आप और भी जोरदार लड़ाई लड़ेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है आप में, आप हिले नहीं हैं।
आप छोड़ के नहीं गए। कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां थी, आप अपनी पार्टी के साथ, उसकी विचारधारा के साथ खड़े रहे और यही आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि है। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। आजमगढ़ सीट से बीएसपी के टिकट पर शाह आलम लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगे और ये सीट अखिलेश यादव के सांसद पद से इस्तीफा देने के बाद खाली हुई है। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर बीजेपी जगह जगह कार्यक्रम का आयोजन कर रही है और इस बीच यूपी की राजधानी लखनऊ में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस कार्यक्रम का आयोजन साल सेवा सुशासन गरीब कल्याण कार्यक्रम के तहत किया गया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस कार्यक्रम में शिरकत करके सरकार की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विगत 8 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के क्षेत्र में देश की 135 करोड़ जनता के मन में एक नया विश्वास भरा है। बिजली विभाग उपभोक्ताओं के बकाया जमा करने में राहत देने के लिए एक नई ओटीएस स्कीम लेकर आई है जिसकी जानकारी खुद ऊर्जा मंत्री ने दी है और इस योजना के तहत उपभोक्ता अपने बकाए को किश्तों में जमा कर सकते हैं। हम एक उत्तर प्रदेश के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी ही ऐतिहासिक योजना लेकर के आए हैं, उसका आज ही हमने अनाउंसमेंट किया है। उसे एक मुफ्त समाधान योजना कहते हैं, अंग्रेजी में वन टाइम सेटलमेंट स्कीम अर्थात ओटीएस भी कहा जाता है। उस योजना के तहत 1 लाख रुपए तक के बकायेदारों को अगर वो 6 किस्तों में जमा करते हैं तो 100% विलंबित जो ब्याज होता है वो उससे मुक्ति देने का प्रावधान है, ब्याज में छूट देने का प्रावधान है। उसी प्रकार अगर 1 लाख से ऊपर के लोग हैं, बकायेदार हैं, तो उनको 12 किस्तों में अगर वो जमा कर देते हैं पैसा तो 100% ब्याज में से उनको मुक्ति देने का प्रावधान किया गया है। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष नरेश टिकैत बागपत जिले पहुंचे जहां उन्होंने सीएम योगी को लेकर अपने विचार रखे और इस दौरान नरेश टिकैत ने साफ कहा कि सीएम योगी से उनकी कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन यह दावा करते भी दिखे कि यूपी में कुछ अफसर ऐसे हैं जो पार्टी का नाम पूछकर कार्रवाई करते हैं और ऐसे अफसरों पर लगाम लगाने की मांग की है। वहीं उन्होंने कर्नाटक में राकेश टिकैत पर स्याही फेंकने वाली घटना की भी निंदा की। तो हम तो यही कहे प्रदेश के देश के विकास की बात करें, बदले की भावना से कोई काम न करे। योगी जी अच्छे समझदार आदमी है, बहुत बढ़िया है, हम उनकी वो नहीं करते, हमने कभी उनकी कोई बुराई नहीं करी, पर मैं अच्छे सलाहकार लेके सकू। नोएडा में भीषण आग से हड़कंप मच गया। सेक्टर 45 में मैदान में रखे प्लास्टिक के कई पाइप आग से जलकर खाक हो गए। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछाने के लिए ये पाइप रखे गए थे और आग इतनी भयानक है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जिसके बाद ये जो पाइप रखे गए थे वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गए। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज दीपक चाहर और उनकी मंगेतर जया भारद्वाज आज शादी के बंधन में बन जाएंगे। आगरा के 5 स्टार होटल में शादी समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें मंगलवार को शादी की रस्में शुरू हो गई थी। संगीत समारोह में दीपक चाहर ने बॉलीवुड के गानों पर जया के साथ जमकर डांस किया। तो आगरा के एक 5 स्टार होटल में ये शादी होगी और मंगलवार से शादी की रस्में शुरू हो गई थी।
देवरिया में गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिल गई है और आज मौसम का मिजाज यहां बदल गया है। तेज आंधी और बारिश से मौसम सुहाना हो गया। हालांकि तेज हवाओं ने काफी नुकसान किया है, कई जगहों पर पेड़ धराशायी हो गए। वहीं अस्ताल रोड पर खड़े दो ई रिक्शे गिरते ही पेड़ की जद में आ गए हैं। गनीमत रही है किसी तरह की जान हानि नहीं हुई है। मशहूर गायक कृष्ण कुमार कुन्नाथ का कल मुंबई में अंतिम संस्कार होगा। वहीं कोलकाता पुलिस ने असामान्य मौत का केस दर्ज किया है। आपको बता दें मंगलवार को कोलकाता में लाइव शो के कुछ ही घंटों के बाद उनकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक शो के बाद एके को अचानक कार्डियक अरेस्ट हुआ था। इसके बाद उन्हें कलकत्ता मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केके 53 साल के थे और उनकी मृत्यु ने पूरे देश को गमगीन कर दिया है। इस मामले में सिंगर केके की मौत पर सस्पेंस बना हुआ। तो खबर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आप लगा